अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक है। आज मुझे थोड़े दिन हो गए episode 3 को फॉर्म करते हुए, लेकिन एज़ प्रोमिस्ड आई एम हेयर विद episode 3। अच्छा, आपने जो है मेरे उसमें देख लिया होगा जो मेरा टाइटल है। episode 3 इज़ ऑल अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ श्राइन्स। श्राइन्स यानी कि जो मज़ारात हैं जहाँ हमारे औलिया कराम और सूफिया कराम जो हैं वो उनकी जो रेस्टिंग प्लेस है उनको हम श्राइन्स कहते हैं। अब देखिए, हर एक का डिफरेंट परसेप्शन है। कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं श्राइन्स पे, कुछ नहीं जाते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई ऑल्सो फ्रीक्वेंटली गो टू द श्राइन ऑफ हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह। और जो दूसरा इंसिडेंट आज मैं आपको सुनाऊंगी वो उसी बारे में। तो शुरू करते हैं। जो पहला जो मेरा वाकया है वो हज़रत अब्दुल्ला शाहगाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है कराची में, उसके बारे में है। मेरे जो दादा हैं उनकी कज़न थी, अल्लाह बख्शे, अब उनकी डेथ हो गई। उनका नाम था फरीदा आंटी। बहुत एक लाइवली और हल्ला गुल्ला करने वाली, बहुत एक ज़िंदा दिल इंसान थी। और माशाल्लाह बहुत लंबी, अच्छी उनकी हाइट, वेल बिल्ट, और बहुत फेयरलेस और बोल्ड किस्म की वो ना लेडी थी। तो उनका एक रिचुअल था, एक उनकी आदत थी कि हर जुमेरात को वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे जाती थी, वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ना, नफिल पढ़ना, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं। तो वो भी वहाँ बहुत जो है एतकाद से और बहुत शौक़ से जाती थी। तो मुझे अभी भी याद है, मैं उस पर काफ़ी छोटी थी, लेकिन जुमेरात का ही दिन था, या मेरे ख़्याल में शायद जुम्मे का दिन था, कि बेल बजी और फरीदा आंटी जो हैं वो हमारे घर आईं। और वो बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, और बिल्कुल आप कहें कि हिस्टेरिकल थी, बिल्कुल वो काबू में नहीं थी। उनके आंसू निकले जा रहे थे, जैसे बिल्कुल एक इंसान थोड़ा सा आप कहना कि अपने होश में नहीं रहता, वो उनकी हालत थी। तो मेरे दादा को भाईजान कहती थी, और मेरे दादा जो हैं वो भी काफ़ी इस तरह, मतलब लोगों को जो है मदद करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना और उनको दम वगैरह भी किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ही इज़ द राइट पर्सन टू गो टू, और मैं इनके पास आती हूँ। फरीदा आंटी ने रोते हुए अपनी सारी जो उनके साथ दास्तान हुई वो सुनाई। उन्होंने कहा कि भाईजान, मैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे बैठी हुई थी, और मैंने जो है वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ी, और मैं बैठी हुई नफिल अदा कर रही थी कि एक मैंने साइड से देखा। अब जब डेफिनेटली आप नफिल वगैरह पढ़ रहे होते हैं, आप सामने ही देख रहे होते हैं, तो कहती मैंने देखा एक बहुत जो है ना मैली कुचैली, बिल्कुल धूल में अटी हुई एक बच्ची है, और वो हार्डली कोई 4-5 साल की हो गई। तो वो ना ज़रा मेरे करीब आके बैठ गई और मुझे देखने लगी, और मैं नफल पढ़ रही थी। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा थोड़ा सा एक होता है कि भाई हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो है वो करीब ना आए जिसमें कोई जो है गंदी हो या कोई उसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई हो। तो उन्होंने ऐसी हाथ के इशारे से साइड से उसको ऐसे कहा कि ज़रा दूर हो जाओ। अभी उन्होंने अपना सलाम भी नहीं फेरा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि अभी भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता, अगर मैं उसे अपनी आँखों से उनसे नहीं सुनती या मैं उनका वो हाल नहीं देखती। उन्होंने कहा कि अभी मैंने उसको बस उंगली के इशारे से ऐसे मना ही किया था, और अगले मिनट मैं उस मज़ार के बिल्कुल पहली सीढ़ी पर पड़ी हुई थी। अच्छा, पहली सीढ़ी मैंने इसलिए कहा कि मैं आपको बताऊं, जो लोग नहीं जानते कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के हैं। देर इज़ अ ह्यूज फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जिससे है आप मज़ार के अंदर दाखिल होते हैं, और वो अच्छी खासी मतलब सीढ़ियाँ हैं, बाकायदा एक हिल की तरह स्टीप सा वो मज़ार है। उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ियों के बिल्कुल पहली सीढ़ी के उधर पड़ी हुई थी। तो कहती है, पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, ये मेरे साथ हुआ क्या है। अभी तो मैं सलाम फेर रही थी मज़ार के अंदर बैठी हुई, और मैं अभी यहाँ पड़ी हूँ, ये हुआ क्या है। जब उनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा होश आया तो उनको ये पता लगा कि किसी ने उनको उस मज़ार के अंदर से बॉडीली उठा के उस सीढ़ी के ऊपर फेंक दिया था।
ऑफ कोर्स शी पुट टू एंड टू टुगेदर, उनको समझ आ गई। और इस पॉइंट पे देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम ऐसी किसी जगह पे जाएं, हमें ना वहाँ बहुत केयरफुल होना पड़ता है। जितनी मेरी मीगर नॉलेज है या जितने मुझे मेरे बड़ों ने बताया है, मैं आपको उसकी रोशनी में बता रही हूँ कि वहाँ बहुत सारे जो है ना तरह तरह के इंसान और दूसरे जो हैं हमारे जिन हैं या कोई इस तरह क्रीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं मज़ार के ऊपर। मतलब बेसिकली हमें ना हर एक को की रिस्पेक्ट, बेसिकली हमें बताया गया है कि आप कभी इस तरह जाएं तो आपने किसी ऐसे, आप किसी जानवर को देखें, किसी बिल्ली को देखें, बेशक किसी आप कुत्ते को देखें, आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो आपको लगे कि वो अपनी सेंसेस में नहीं है या वो आपको ज़रा ऑर्डिनरी से डिफरेंट लगे ना, आप उसके प्लीज़ मजाक मत उड़ाएं या आप उसको हकारत से मत देखें, आप बस अपने काम से काम रखें। तो फरीदा आंटी को एहसास हुआ कि मैंने उस बच्ची को जब अपने हाथ के इशारे से मना किया था, उसको ये बात पसंद नहीं आई और वो इंसान नहीं थी, वो कोई और मखलूक थी या तो जिन थी या अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और उसको बहुत गु़स्सा आया और उसने मुझे उठा के मज़ार के अंदर से सीढ़ी के आखिरी कोने पे फेंक दिया। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि वो जुमेरात हर जुमेरात को जाती थी, उनको भी अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं अगर ख़ुद एक इबादत कर रही थी तो मैंने शायद अपने आप को कुछ पता नहीं क्या समझ लिया, मैंने उसका दिल दुखाया उस बच्ची का। वो उसी हालत में भी मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह बहुत लंबी चौड़ी वेल बिल्ड थी, उनकी एक एक जो हड्डी थी जिस्म की वो दर्द कर रही थी, इतने उनको हाइट से उठा के फेंका गया था। वो उसी हालत में गई ऊपर और जब वो ऊपर पहुँची तो उन्होंने देखा कि वो जो बच्ची थी वो ज़मीन पर लौट रही थी, उसको किसी चीज़ का होश नहीं था, बिल्कुल उसके बाल वगैरह धूल में अटे हुए और वो यूं करके लॉटरी उलाटे खाए। लेकिन कोई उसको कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि वहाँ जो भी लोग आते हैं उनको पता है कि भाई अल्लाह ताला के जो हैं बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, और लेट देम बी। और उसकी आँखें बिल्कुल एक लाल अंगारा की तरह, उसकी आँखें बिल्कुल रेड हुई हुई थी और उसको कोई होश नहीं था, वो बहुत गु़स्से में थी। कहती हैं अगर मैं, मुझे उसकी आंखें देख के ना फिर से डर लगा, कहती मैंने उसे बकायदा माफ़ी मांगी, मैंने हाथ जोड़ के उसको कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने अपनी तरफ से जितनी वो माफ़ी तलाफी कर सकती थी उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। और उसके बाद फिर वो वापस नीचे गई, अपने घर आ गई। और मुझे ये याद नहीं कि उसी दिन हमारे घर आई थी कि अगले दिन आई थी, लेकिन उनकी हालत जो है ना बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और बाकायदा उनके आंसू जो है बह रहे थे। तो खैर मेरे दादा ने उनको काम डाउन किया, उनको समझाया कि देखो कोई हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमने उससे माफ़ी मांग ली, तुमने बहुत अच्छा किया। और मैं आपको जो है इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आपके दो वीडियोस के लिंक्स भी छोड़ूंगी, जिसमें ऑथेंटिक जो है जिन्नात के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कितने किस्म के जिन होते हैं, वो किस फॉर्म में आ सकते हैं और वो कितने मजबूत होते हैं। तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके ज़रूर उन वीडियोस को देखें। तो खैर ये एक ऐसा वाकया था जो कि मुझे अभी तक याद था। उसके बाद फिर ये हुआ कि फरीदा आंटी ने अपना वो जो एक उनका जुमेरात का जाने की उनकी एक आदत थी उसको छोड़ा नहीं, वो जाती थी, लेकिन शी बिकेम वेरी वेरी केयरफुल कि अगर ऐसा कोई चीज़ देखें जो उन्हें आउट ऑफ ऑर्डिनरी लगे या कोई थोड़ा सा कोई बिल्ली वगैरह के मज़ारात पे आपको बिल्लियां बहुत नज़र आएंगी, जो कि मुझे मेरे सेकेंड वाक्य की तरफ लेके जाता है। सेकेंड जो ये मेरे साथ हुआ इस तरह कि मैं हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह साहब के मज़ार पे गई और मैंने भी एज़ यूजुअल नफिल वग़ैरह पढ़े और मैं, मुझे याद है बैठ के मैं कुछ कुरान शरीफ में कुछ पढ़ रही थी। ज़ाहिर है वहाँ इतना रश होता है, बहुत लोग आए होते हैं, आप बस अपनी उसमें बैठे होते हैं। तो उस वक्त की बात है जब मैं बिल्लियों से बहुत डरती थी। अब ये बात अजीब सी लगती है क्योंकि मेरे अपने घर में भी बिल्ली है, लेकिन विद टाइम यू नो पीपल चेंज। तो एनीवेज़ मैं बिल्लियों से बहुत डरती थी और मुझे कोई अगर बिल्ली कहीं थोड़ी सी भी कहीं करीब नज़र आ जाए ना, मैं वहाँ से चली जाती थी।
तो मुझे अभी भी याद है कि मैं बैठ के अपना सिपारा पढ़ रही थी, तो एक बिल्ली जो है वो आई। अच्छा, मैंने जब उसको देखा तो मुझे वो पहली शायद मेरे ख्याल में उस वक्त कोई ऐसी बिल्ली थी कि मुझे ना उससे डर नहीं लगा। इनफैक्ट आई बिकेम वेरी क्यूरियस, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन था ना, इट वाज वेरी मैजेस्टिक, ऐसे बहुत एक रॉयल सा उसके जो है ना मुंह पे एक्सप्रेशन था, बड़ा एक आप उसको कहें शहाना किस्म का अंदाज था उसका। और वो थोड़ी दूर मुझसे आके बैठ गई और सामने ही हज़रत बरी इमाम ताला अन्हो का जो रोज़ है वो उसको बस बैठ के देखने लगी। अच्छा, मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगा और मैं खुद हैरान थी, मैंने कहा कहाँ कोई बिल्ली आती थी, मैं तो डर के भाग जाती थी। मैं वहीं बैठी रही और मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रेंज भी लगा, बट मुझे उससे डर नहीं लगा या मुझे ऐसे कोई वाइब्स नहीं आई नेगेटिव सी या क्या, क्योंकि मैं उसको ऑब्ज़र्व करती रही। वो 10-15 मिनट वहाँ बैठी रही, उसने एक आवाज़ नहीं निकाली, वो रोज़े की जानिब देखती रही। और उसके बाद इन अ वेरी मैजेस्टिक एंड रीगल मैनर वो जो है ना बड़े अच्छे से अंदाज में ना चली गई। खैर, बात आई गई हो गई, मैं दिमाग से मैंने कहा अच्छा चलो, एक थोड़ा अजीब सा मुझे लगा। देखिए, फिर ये होता है कि ना आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन ऐसा कुछ होता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मैं अपनी खाला के घर गई, तो मेरी खाला जो थी वो अपने किसी बेटे को, मेरे खालू भी बैठे हुए थे, उनको बता रही थी कि देखिए मैंने एक बड़ा हमारा मशहूर चैनल है जिस पे ये इस्लामिक सारी बातें वगैरह आती हैं, तो कहती मैंने उस पे सुना कि जब आप मज़ार वगैरह पे जाएं तो आप किसी जब जानवर को देखें जो कि मज़ार की अंदर हो, जो कि मज़ार की विसिनिटी में हो, प्लीज़ उन जानवरों को कुछ मत बोलें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन किस फॉर्म में यहाँ आया हुआ है। और ये वाली बात कि जिन जो हैं वो किसी भी एनिमल की फॉर्म ले सकते हैं, ये चीज़ भी आपको, ये जो मैंने लिंक छोड़ा है ये आपको इस वीडियो के अंदर जो है आपको पता चलेगी। और ये जो दोनों वीडियोस हैं इन्होंने मेरी भी बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज में इजाफा किया है, वेरी वेरी गुड ऑथेंटिक वीडियोस। तो मेरे एकदम कान खड़े हो गए। तो मेरी खाला ने कहा कि वो मौलवी साहब ये कह रहे थे कि ख़ास तौर पर अगर आप कोई बिल्ली देखें या कोई इवन बाज़ दफ़ा कोई कुत्ता भी देखें या बिल्ली देखें ना मज़ार के अंदर या कुछ, आप उनको प्लीज़ कुछ मत कहें। सबसे पहली बात तो है कि वो अल्लाह की मखलूक हैं, हमें कोई हक नहीं है कि हम उनको पत्थर मारें या किक्स मारें। जरा कुछ लोग जानवर साहब को पता है बहुत बुरा सलूक करते हैं, बस लेट देम बी, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि ये जो होते हैं ना ये जिन होते हैं जो कि उनौलिया कराम के मज़ार पे आते हैं और वो भी वहाँ बैठ के फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, हाज़री देते हैं, तो ये कुछ अल्लाह ताला की वही अगेन मिस्ट्री जो कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो है किसी भी जानवर को जो स्पेशली ये, और सिर्फ ये बात नहीं है कि मज़ार के अंदर, कहीं भी किसी जानवर को देखें वो आप उसको जो है मिसट्रीट मत करें। तो मुझे आई जस्ट पुट टू एंड टू टुगेदर, मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन मुझे जब मैंने उस बिल्ली को देखा था ना तो देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट हर, देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। और जिस तरह के वो बिल्कुल एक स्टिल होके बैठी रही और आगे रोज़े को देखती रही और फिर 10-12 मिनट बाद उठ के चली गई, और फिर जब मैंने अपनी खाला की बात सुनी तो मैंने कहा वही है कि देखें दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो कि होती हैं, लेकिन बस यही बात है कि हमें अपने आप को वही है कि सुपीरियर नहीं समझें और ये ना समझेंगे जी हम बहुत ज़्यादा यू नो इबादत कर रहे हैं, हम बड़े पाक साफ हैं, बाकी जो है ना वो ऐसे ही हैं। तो ये, और इससे फिर मुझे एक और वाकया याद आया कि कराची में आपको अगर पता हो मखली, जहाँ अब बहुत ज़्यादा वहाँ कब्रें वगैरह बनी हुई हैं, पूरी एक सिटी है मखली और ठट्टा, तो वहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है जो कि बहुत मशहूर है, वैसे भी लोग उसको जो टूरिस्ट हैं वो उसको देखने आते हैं। तो मुझे याद है कि मेरे नाना इस्लामाबाद से आए हुए थे, तो हम सब ने प्लान बनाया, मेरे दादा दादी सब ने कहा कि चलो हम इनको मखली का जो है वो सारा हेरिटेज साइट ही अब तो बन गई है वो दिखाते हैं। समर वेकेशंस थी तो हम लोग सब गए वहाँ, और अब बहुत वास्ट सा बहुत बड़ा सा एरिया है और अब काफ़ी एक उसमें ना एक वैसी एक हॉन्टिंग सी वैसी फील आती है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसका आर्किटेक्चर है और बहुत सन्नाटा होता है, ये होता है। फिर हम एक वहाँ स्कूल भी था उसके अंदर भी गए, लेकिन छुट्टियाँ थी
तो स्कूल बंद था बिल्कुल, और इस तरह बस हम लोग सब बच्चे थे यहाँ भाग रहे हैं दौड़ रहे। तो जब हम उस कब्रिस्तान के वापसी में जब हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो मुझे अभी भी याद है कि हमारी गाड़ी के सामने एक लड़की जो है वो बैठी हुई थी। उसको अपना कोई होश नहीं था, वो बिल्कुल, आपको पता है वहाँ मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, वो स्पेशली बीच वाली जो जो सैंड है उस तरह की, आपको रेत वगैरह वहाँ बहुत मिलती है। तो वो जो है बिल्कुल मिट्टी में ना इस तरह अपने आप को रोल कर रही थी, कोई दुनिया जहान का उसे होश नहीं था। तो जाहिर है हम लोगों ने गाड़ी रोक ली इस तरह से, तो मेरे दादा ने कहा कि बेटा बस इसके साइड से आप गाड़ी गुजार लें, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें, इसे तंग नहीं करें। और ये जो है ना, कुछ लोग जो हैं वो मज़ूब होते हैं, मज़ूब वो कि बिल्कुल दुनिया से बेगाने, अपनी धुन में मगन, और ऐसे लोगों को मज़ूब भी कहा जाता है कि उनका एक अलग अंदाज़ होता है, उनका एक अलग तरीका होता है दुनिया को देखने का, और अपने एक अलग तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला को जानने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू कि मतलब मेरे दादा जो थे उन्होंने काफ़ी चीज़ को पढ़ा हुआ भी था, काफ़ी स्पिरिचुअल एक रियल जो होता है उसके अंदर वो थे। तो ही मस्ट हैव सेंस समथिंग, उन्होंने कहा कि बस बेटा इसको डिस्टर्ब नहीं करें और साइड से बस अपनी गाड़ी निकाल के ना अल्लाह का नाम लेके चलें। तो ये सब तीनों, ये वाला जब मुझे वाकया याद आया, फिर फरीदा आंटी का, फिर जो मेरा अपने साथ मैंने देखा, तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। और ये जो श्राइन्स हैं हमारे, तो मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ार हैं, बड़ा उनका आर्किटेक्चर बड़ा खूबसूरत है। तो ये आज की मेरी थीम थी। तो इंशाल्लाह आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर वो जो मैंने वीडियोस डाली हैं लिंक में उन्हें ज़रूर देखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं एपिसोड 4 के साथ मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।